आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को, पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लायमल दूंगा। ये तहरीक रुकने नहीं लगी, मैं आपको अगला लायमल दूंगा। इमरान खान का लॉन्ग मार्च खत्म करने का ऐलान, 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के शुरका से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए रावलपिंडी में अपनी जान को खतरा लाहक होने के बावजूद अवाम को 26 नवंबर को पिंडी पहुंचने और मार्च की खुद क्यादत करने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि तब्दीली घरों में बैठे रहने से नहीं आएगी, आपके पास ताकत है, आपकी जिम्मेदारी है, आप सबको मार्च में शिरकत की दावत देता हूँ। इमरान खान का कहना था कि 30 साल से ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग और कत्लेआम कर रहे थे। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कई सौ लोगों को मरवाया, राना सनाउल्ला ने 18 कत्ल किए, ये कब्जा ग्रुप है, इन्होंने 25 मई को हमारे कारकुनों पर जुल्म किया। इमरान खान का मजीद कहना था, जब इन्होंने मार्च किए हमने कभी रुकावट नहीं डाली, न कंटेनर लगाए, हमें डराने के लिए खौफ का माहौल बनाया गया, मेरे मुलाजमीन को खरीदने की कोशिश की गई। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया, पहले उसको था, अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे।